आदमी अपने काम से पहचाना जाता है, नाम से नहीं। स्वार्थ के पीछे भागने वाली ये दुनिया किसी के लिए भी नहीं रुकती, हमें खुद रोकना पड़ता है। सबको अपने लुक से प्रेरित करने वाले KGF के रॉकी को किससे मिली इंस्पिरेशन? फिल्म के मेकर्स ने हिंदी सिनेमा में आए बदलाव को लेकर कही कौन सी बड़ी बात? कन्नड़ फिल्म स्टार यश अपनी अपकमिंग फिल्म KGF 2 को लेकर चर्चाओं में है। साल 2018 में रिलीज हुई उनकी इस फिल्म के पहले पार्ट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। साउथ फिल्म स्टार यश की ये पहली पैन इंडिया रिलीज फिल्म थी जिसे हिंदी दर्शकों ने भी भरपूर प्यार दिया। उस वक्त कन्नड़ स्टार यश की बॉक्स ऑफिस पर सीधे बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के साथ टक्कर थी। बावजूद इसके यश का जलवा दर्शकों के दिलों पर छा गया। जितना प्यार यश की फिल्म को मिला उतना ही उनके रस्टिक रॉ लुक को भी। कई नौजवान उनके लुक को अपनाते भी नजर आए, लेकिन क्या आप जानते हैं उनका ये लुक हिंदी सिनेमा से इंस्पायर्ड था? फिल्म में यश के लंबे बालों और लंबे दाढ़ी के साथ गैंगस्टर लुक को काफी पसंद किया गया था। अगर आप याद करें तो फिल्म में उनका कैरेक्टर एंग्री यंग मैन का था। एंग्री यंग मैन से आपको कुछ याद आया? जी हाँ, सही समझे आप, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। 70 के दशक में उन्होंने ही अपने किरदारों से एंग्री यंग मैन का चलन शुरू किया था और ये टाइटल अपने नाम किया था। उस समय की ये फिल्में KGF के मेकर्स को खास तौर पर पसंद आई थी, इसलिए जब एक पैन इंडिया फिल्म बनाने की बात हुई तो उन्होंने उस लुक को चुना जिसे जनता आसानी से एक्सपेक्ट भी कर ले और सराहे भी। फिल्म की क्रिएटिव टीम ने बड़े माने पर इस क्षेत्र में रिसर्च किया और आखिरकार बिग बी के किरदारों की एक पूरी सीरीज से इंस्पिरेशन ली, जैसे कि शोले, अमर अकबर एंथनी, जंजीर, काला पत्थर। कहीं ना कहीं इस आइडिया का बेसिस मेकर्स की ये सोच भी थी कि आज के हिंदी सिनेमा में वो जादू नहीं है जो पहले हुआ करता था, इसलिए अपने फिल्म को बड़े पैमाने पर हिट बनाने के लिए मेकर्स ने सब सेलिब्रेटेड फिल्मी एरा का सहारा लेने का फैसला किया। और अगर KGF की पॉपुलरिटी और KGF 2 के लिए फैंस की एक्साइटमेंट देखी जाए तो यकीनन ये फॉर्मूला सही साबित हुआ। फैंस एक बार फिर KGF 2 में रॉकी के इस लुक को देखने के लिए बेकरार है। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आप इसके लिए कितने एक्साइटेड हैं, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।